मेरा नाम रमेश खन्ना है। हाँ जी रमेश। आज क्योंकि ये एक अमृत महोत्सव है, इसलिए अपने परिचय में केवल ये कहूँगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो हर घर तिरंगा का जो संदेश है प्रधानमंत्री जी का, तो उसके लिए आप ये आज रैली निकाल रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? इससे पहले हमने घर घर में तिरंगे बांटे हैं, बाहर गीतों में तिरंगे बांटे हैं, और आज हम ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें हमारे कम से कम 500-600 कार्यकर्ता पूरी रजौरी गार्डन विधानसभा की अलग अलग मार्केटों में से होकर रजौरी गार्डन में समाप्त करें। मेरा नाम रमेश चोला है, मेरा नाम पश्चिमी जिला में मैं उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? मैं विकास बब्बर रजौरी गार्डन मंडल फाइव एस के महामंत्री और क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मैं समाज को यह संदेश देना चाहूँगा कि आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरे देश को, और जिस प्रकार की ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, ये एक बहुत स्वाभिमान की बात है, बहुत गर्व की बात है। और इसकी स्वाभिमान को जो हम आज ये देख रहे हैं, वो हमारे को हमारे जो जितने भी शहीद हुए हैं उनके ऊपर आज हमारे को ऐसा मौका मिला कि हम इस स्वतंत्रता को आज़ादी से मना रहे हैं। और तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को भी कहेंगे कि 15 तारीख को अपने घर पे हर व्यक्ति तिरंगा लगाए और इस गर्व के दिन को, स्वाभिमान के दिन को बड़े धूमधाम से मनाए। ऐसा सौभाग्य जिसमें हम पैदा हुए हैं, ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता, हमारे को ये सौभाग्य मिला है। और हम इसको एक पर्व के नाते, पर्व के तरीके मनाएं, घर घर तिरंगा जिस प्रकार से अभियान चलाया गया और घर घर में तिरंगा लगाए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 भारत
भारत के प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर दुनिया को दिखाने के लिए कि देश का हर निवासी कैसे अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। आज सच में ऐसा उत्साह देख के हमारे रोम रोम खड़े हुए हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मेरा नाम रेणु मल्ला है, पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ भारतीय जनता पार्टी। आज क्या संदेश देना चाहेंगे, 75वीं वर्षगांठ है आजादी की। भारत के अमृत महोत्सव में आज तिरंगा यात्रा जो है रजौरी गार्डन विधानसभा से निकाला जा रही है और आज सभी इस तिरंगे को हाथ में लेकर जिस तरह का खुशी का अनुभव कर रहे हैं, सच में एक गौरव सा महसूस हो रहा है। और इस तरह की तिरंगा यात्रा सभी जगह की जा रही है और आज रजौरी गार्डन विधानसभा में चाहे वो मंडल के कार्यकर्ता हो, चाहे विधानसभा के कार्यकर्ता हो, चाहे स्थानीय कार्यकर्ता हो, चाहे जनता हो, सब बढ़ चढ़ कर, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी कोई आह्वान करते हैं, हमारे प्रधान सेवक कोई आह्वान करते हैं, तो पार्टी से ऊपर उठकर हर कोई उस अभियान में जुड़ जाता है। तो उसी के चलते आज रजौरी गार्डन विधानसभा के अंदर हमारे रजौरी गार्डन से पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे रमेश खन्ना जी के नेतृत्व में आज ये तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। जय हिंद, जय भारत। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z Web Infotech सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809665448754366। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। Vamos, vamos, vamos.
अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने थाना थाया? यू सी दिस गाय, सी दिस गाय, नंबर वन स्लीपलेस गाय, शी डू द वीवू वीवू। हम रात तक को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी शोना को खाना खिलान लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।